सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सेम वे में हमको रेजिन मिक्स करना है। 3:1 का रेशियो ही लेंगे इसको फिल करने के लिए भी, बट इस बार हम क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेंगे। तो मैंने एक बड़ा कंटेनर लिया है जो कि एक फूड कंटेनर है, जिसमें आपने देखा होगा जैसे स्विगी जोमेटो पे अगर आप कुछ खाना मंगाते हो तो आपको ये कंटेनर्स आते हैं। तो इधर यू कैन रीयूज देम, उसको वॉश करके सुखा के आप रीयूज कर सकते हो। इधर यू कैन बाय न्यू कंटेनर्स। तो हम इसके ऊपर रखेंगे और हमारा मशीन जो है वेइंग मशीन को स्टार्ट करेंगे। अब वो देखेगा कि वैल्यू जीरो हो चुका है। अगर आपका वेइंग मशीन ऑलरेडी स्टार्ट है, इसमें देखो -24 दिख रहा है, यानी उसका वो जो वॉल्यूम था उसको गेन करके उसको फिर से जीरो कर दिया है, जिसको हम टेयर बोलते हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया था, हमेशा आपको हार्डनर लेना है। हंड्रेड ग्राम हमने हार्डनर लिया है, उसी तरीके से हम 300 ग्राम रेजिन लेंगे ताकि जो 3:1 का रेशियो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। इसको अभी 100 वॉल्यूम आपको दिख रहा है, टेयर करेंगे जीरो हो जाएगा। कभी भी रेजिन या हार्डनर अगर आपके कोई इक्विपमेंट पे लग जाए, टेबल पे लग जाए या हाथ पे या किसी कपड़े पे लग जाए, तो अगर वो सिंगल पार्ट में है तो वो क्योर नहीं होगा, तो वो हार्ड नहीं हो जाएगा। उससे पहले आप थिनर से उसको पोंछ के किसी कपड़े के साथ आप उसको निकाल सकते हो। थिनर ले लो, नेल पेंट रिमूवर ले लो, एसीटोन ले लो। बट अगर वो मिक्स्ड, जैसा मिक्स्ड रेशियो है, उसके बाद अगर आपके टी शर्ट या कहीं पर लगता है तो चांसेस है कि वो हार्ड हो जाएगा। आप कितना भी क्लीन कर लोगे तो एक पार्ट वो हार्ड होने ही वाला है। तो ट्राई कीजिए कि आप ओल्ड क्लोथ्स यूज़ करें या तो एक एप्रन यूज़ करें। जैसे 302 ग्राम्स हो चुका है। तो हम लोग ने हार्डनर लिया था 100, फिर टेयर किया उसको ज़ीरो करके हम लोग ने रेजिन ले चुके हैं 300 ग्राम। तो टोटल मिक्सचर जो हमारा बन चुका है वो 400 ग्राम्स का बन चुका है। अभी हम उसको, जैसे मैंने आपको मिक्सिंग पैटर्न बताया, ऑलवेज सर्कुलर मोशन में पहले मिक्स करना है बिना स्टिक को उठाए। जिसे बड़ा कप है तो आपको साइड्स में भी अच्छा खासा जो अनमिक्स्ड रेजिन होगा वो लगा होगा, तो आपको वो मूव करते जाना है ताकि वो सारा निकल जाए और रेजिन का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी जैसे आप देखोगे वो हेजी था, हेजी होने के बाद वो क्लियर हो चुका है, मतलब सारे जो मॉलिक्यूल्स थे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी मैं इसको पोर कैसे करूंगा, अगर मैं डायरेक्ट इसमें पोर कर देता हूँ तो उसमें क्या होगा, बबल्स जनरेट हो जाएंगे। बिकॉज एक तो मुझे हाइट गेन करना पड़ेगा, एंड सेकेंड है कि जो प्रेशर से जाएगा और जो अगर समझो बीच में अगर मेरा फ्लो टूटता है तो उसके कारण बबल्स आ सकते हैं। मैं क्या करूंगा, कोई भी एक स्टिक की मदद से एक जगह पर स्टिक को मैं लगाऊंगा और उसके ऊपर से पोर करूंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं स्टिक का जो फ्लो है, हमारा जो फ्लो जा रहा है, उसको मैं तोड़ूंगा। वो जैसे मैं फ्लो तोड़ूंगा वैसे बबल उसमें आना चालू हो जाए। जब आप पोरिंग करें आपका पूरा ध्यान पोरिंग की तरफ होना चाहिए। अगर आप बात करते करते या कुछ अलग सोच में अगर आप पोरिंग करोगे तो चांसेस है कि आपका वो जो फोकस है वो ब्रेक हो जाए और उसमें एरर आ सकता है। थोड़ा जब आपका रेजिन बचता है तो आप इसके ऊपर भी पोर कर दीजिए फोटो के ऊपर।